नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिज्ञान के लाइव यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कौर। हम आज बात करने आए हैं इंग्लिश के सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में। हम कुछ टॉपिक भी एक आध डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से उसका तैयारी करनी है। मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो हमें लगता है कुछ नियम याद करने हैं, कुछ पोएम्स के टाइटल याद करने हैं और कुछ मेथड्स के वर्ड्स याद करने हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। अगर आपको सेकंड ग्रेड के इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा, केवल नियमों से काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको नियम याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। खैर मित्रों, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र यादव। हेलो, फुल कॉमेडी आपका कम, मैंने कमेंट पढ़ लिया है। और मनोज सैनी जी, राम राम जी। खैर मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देखिएगा कि हमारा वेटेज क्या है मार्क्स का। सबसे पहले हम देखें, अगर तीन चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, पहली चीज़ है ग्रामर, दूसरी है लिटरेचर, तीसरी है मेथड। आप ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से किसी में भी अगर हम कम रह गए तो सिलेक्शन मुश्किल होगी। आप जानते हैं कट ऑफ जाती है 75 के आसपास। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपको ओवरऑल मार्क्स का शेड्यूल बताऊँ तो क्या होगा इसमें से। ग्रामर की अगर आप बात करें, आप ये देखिएगा 230 मार्क्स के आसपास की ग्रामर, 300 मार्क्स की बात करें हम। अगर मेथड्स की बात करें तो, अगर आप मेथड्स की बात करें तो मेथड्स के लगभग होंगे 40 मार्क्स। और अगर आप लिटरेचर की बात करें तो इसके लगभग होंगे 30 मार्क्स। तो आप देखिए, टोटल मिला के 230 मार्क्स की तो उसमें ग्रामर है, मेथड्स हैं लगभग 40 मार्क्स की और लिटरेचर है लगभग 30 मार्क्स का। अब मित्रों, मुझे लगभग 17 साल हो गए कंपटीशन में उतरे हुए। मैंने पहले 7 साल एक कोचिंग के साथ पढ़ाया, 10 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन के लिए मैं अभिज्ञान से कोलेबोरेशन कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा, जब भी जो पास होने वाले बच्चे हैं ना, उनका जो वेरिएशन आता है वो इसमें आता है। 230 में से आप मान के चलिए 190 से 210 के बीच ये रहता है अंतर, जो भी स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते हैं या हो पाते हैं, तो 190 से 210 के बीच ये रहता है। ये जो 70 है ना, यहाँ तो आप देखिए 190 से 210 के बीच का रहता है पास और नहीं पास होने वालों में। ये जो 70 है ना, इस 70 में क्या होता है, 65 से लेके 10 मार्क्स तक। तो आप सोचिए कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है पास होने के लिए, वो ये पार्ट है दोनों। मेथड में अगर किसी के सही हैं तो 20 में से 18 सही हैं, गलत हैं तो 20 के 20 गलत हैं। लिटरेचर अगर किसी को आता है तो 30 में से 30 मार्क्स उसको आ सकते हैं, नहीं आता है तो 30 में से 3 भी आ सकते हैं। ग्रामर में यही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, इन सब में मिला के किसी के 190, किसी के 210, किसी के 180 भी हो सकते हैं। कुछ मार्क्स, कुछ क्वेश्चन कट भी जाते हैं। तो आपको जो फोकस करना है, टारगेट करना है, वो किसको करना है, वो करना है लिटरेचर और मेथड्स को। खैर, हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं। इंद्र मीणा जी गुड मॉर्निंग, बख्शी दामोर गुड मॉर्निंग, और धनराज मीणा जी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। तो मित्रों, आप देखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो है, हम ग्रामर की बात करें, 230 मार्क्स ही मैंने कहा ग्रामर है। अब इसमें भी क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आधे क्वेश्चन, लगभग आधा सिलेबस जो है वो किसका है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आप मान के चलिए कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ग्रामर में अच्छे मार्क्स आएंगे। टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल, सबके लगभग सेम के सेम रहते हैं लगभग। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर आ सकता है, जो ग्रामर में मार्क्स में अंतर आएगा ना। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एक है कॉन्टेंट वर्ड्स, सिमेंटिक या मीनिंगफुल वर्ड्स भी इनको कहते हैं, और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स, एम्प्टी वर्ड्स या मीनिंगलेस वर्ड्स भी कहते हैं। कॉन्टेंट वर्ड्स में मित्रों, हम चार कैटेगरीज को, केवल चार कैटेगरीज को शामिल करते हैं। कौन कौन सा है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। स्ट्रक्चरल वर्ड में बाकी सारी बची हुई कैटेगरी आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो बीसी में आ जाएगी। जैसे हो गया आर्टिकल, डिटर्मिनर, कंजक्शन, प्रपोजिशन, ऑक्सिलरी, इंटरजेक्शन, सारे वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं। अच्छा, ऐसा कॉन्टेंट वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड इनको क्यों कहते हैं, मीनिंगलेस वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड्स? मित्रों, कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी आनी है, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है, समझनी, सीखनी है, तो आपको जो कैटेगरी के वर्ड्स आने चाहिए ना, वो कौन से हैं?
अगर आपको इस कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं तो आप कोई सा भी सेंटेंस समझ सकते हो, क्योंकि उस किसी भी सेंटेंस का पूरा मीनिंग कंटेंट किस में होता है, नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में या वर्ब में। ये शब्द केवल इनको जोड़ने के काम आते हैं। आर्टिकल रेफरेंस बताता है, नाउन की डिटर्मिनर भी निर्धारित करता है कि नाउन की कैटेगरी क्या है, कंजक्शन जोड़ता है, प्रपोजिशन भी वर्ड्स को आपस में जोड़ती है। तो जिनको कंटेंट वर्ड्स आते हैं, जिनको कंटेंट वर्ड्स समझ में आते हैं, वो अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी सीखनी है तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, ये कंटेंट वर्ड्स हैं इन पे। अगर आपको एक सेंटेंस में कंटेंट वर्ड समझ में आ गए हैं तो आप उस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाएंगे, आपको चाहे स्ट्रक्चरल वर्ड समझ में आए या नहीं आए। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने दो कैटेगरी में विभाजित किया, कौन सी है, कंटेंट और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब मित्रों, ग्रामर में जो ये कंटेंट वर्ड्स हैं इनको कहा गया है ओपन क्लास वर्ड्स, और जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं इन्हें क्या कहा गया है, क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए हम जानते हैं कि भाषा जो है वो क्रिएटिव है, नए शब्द आते रहते हैं, कॉइन होते रहते हैं, शब्दावली बनती रहती है। आप ध्यान रखिएगा, एक भाषा में जितने भी नए शब्द आएंगे, जितने भी नए शब्द आएंगे भाषा में, वो केवल इसी कैटेगरी में होंगे। नाउन नया आ सकता है, वर्ब नया बन सकता है, एडजेक्टिव नया बन सकता है, एडवर्ब नया बन सकता है, जितनी भी एंट्री होगी डिक्शनरी में नए शब्दों की वो इसमें होगी, क्योंकि इसमें न्यू एंट्री ओपन है। ये जो है वो क्लोज क्लास वर्ड है। कहने का अर्थ है कि भाषा कितनी भी प्रगति कर ले, कितने भी नए शब्द आए, आर्टिकल तीन है तो तीन ही रहेंगे, डिटर्मिनर जितने फिक्स हैं उतने ही रहेंगे, कंजक्शन जितने हैं उतने ही रहेंगे, नया नहीं आ सकता, मॉडल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। ये क्लोज क्लास क्यों है, इसमें नई एंट्री संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी में हमें स्कोर करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दोनों कैटेगरीज को हमें सीखना होगा, कौन कौन से, कंटेंट यानी जिनमें अर्थ होता है, अर्थपूर्ण शब्द, और स्ट्रक्चर यानी जो अर्थपूर्ण शब्दों को जोड़ते हैं, उनकी रेफरेंस बताते हैं। तो हमें कंटेंट वर्ड्स भी सीखने हैं और स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी सीखने हैं, और पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दोनों के बीच में ही रहता है। और अगर आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सही कर लिए मित्रों, तो आपके ग्रामर के जो टोटल मार्क्स हैं उसका आधा वेटेज इसी के ऊपर है। नाउन है तो नाउन फ्रेज भी है, क्लॉज भी है, ये सारे अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप 230 मार्क्स में से मान के चलिए कि 110 मार्क्स तो आपके इन टॉपिक से ही कवर हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन टेंस, 30 क्वेश्चन लगभग इन सबके मिला के होते हैं, बाकी फोकस पेपर का इसमें होता है। अब आज मित्रों, क्योंकि मुझे एक लाइव क्लास देनी है, तो मैं आज जो लाइव क्लास देने जा रहा हूँ वो प्रपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आज आपको पूरे प्रपोजिशन पढ़ा दूं या मैं आपको पूरी ग्रामर सिखा दूं, उद्देश्य है कि हमें पढ़ने की पद्धति क्या है या मेरे पढ़ाने की पद्धति क्या है। क्योंकि मैं ऑनलाइन में मैंने अभिज्ञान के लिए रिकॉर्डिंग की, तो मैंने किस तरह से इसमें काम किया है वो बताने की एक कोशिश है, ताकि आप इस ऐप से जुड़ें तो जान सके कि मैंने कैसा इसमें जुड़ा है। देखिए, मैंने एक छोटा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन को अगर हम समझें तो किस आधार पर समझेंगे मित्रों, एक है डायरेक्शन या मूवमेंट, दूसरा है पोजीशन। अच्छा, डायरेक्शन या मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शन या मूवमेंट का अर्थ है कि आप गति में हैं, दिशा में हैं या गति में हैं, तो ये प्रपोजिशन आएंगे। और पोजीशन का अर्थ है कि आप स्थिर हैं, एक जगह पे स्थित हैं, तो ये वाले प्रपोजिशन आएंगे। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि आप अपने घर से निकले, आप कोचिंग जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे या ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में आपका फोन बजा, किसी ने पूछा हाँ भाई कहाँ है तू, तो आप जो है वो रास्ते में, तो आप क्या कहेंगे, I am going to coaching। आपने टू क्यों लगाया, क्योंकि आप मूवमेंट पे थे, रास्ते में थे ना, दिशा में थे, तो आपने लगाया टू। आप कोचिंग पहुंच गए, गेट पे खड़े हैं कोचिंग के, और गेट पे खड़े हैं उसी समय सीढ़ियों पे फोन बजता, कहाँ भाई तू, फोन आया। अब आपकी पोजीशन क्या है, आई एम एट कोचिंग। जब दिशा में थे तो आई एम गोइंग टू कोचिंग, जब आप पहुंच गए हैं, आप स्थिति में हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट कोचिंग। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू ऑफिस, अगर आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, स्कूल पहुंच चुके हैं, तो आई एम एट। तो स्थिति के लिए तो एट हो जाता है, दिशा के लिए हो जाता है टू। ये बेसिक अंतर करने का एक तरीका है प्रपोजिशन का। वैसे ये इनटू और इन का अंतर मित्रों, इनटू जो है वो गतिशीलता दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, इन जो है वो स्थिति दिखाता है। देखिए, गतिशीलता में क्या है, आप सपोज कीजिए कि एक बच्चे का 10th का रिजल्ट आया, रिजल्ट इतना अच्छा था कि उसने सोचा मैं कुएं में छलांग लगा देता हूँ, तो वो जंप करेगा, वो इनटू द वेल करेगा या इन द वेल, क्योंकि वो जंप करेगा तो गति में होगा ना, गति में होगा तो वो इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल। अच्छा, उसके बाद उसकी स्थिति क्या होगी, वो होगी ही इज इन द वेल, इन द वेल, इन द हेल, जहां भी है वो, तो गति में है तो इनटू, और स्थिति में है तो
इन। वैसे आप सोचिए, अगर आप क्लासरूम में अंदर आ रहे हैं तो कमिंग इन टू द क्लासरूम, उसके बाद अगर आप बैठ गए तो आप कहाँ हैं, वो हैं इन द क्लासरूम। ये मार्कर है, अगर मैं इसे अपनी जेब में रख रहा हूँ, जब मैं इसको रख रहा हूँ ये गति में है, तब तो इन टू द पॉकेट, उसके बाद मैंने रख दिया तो ये कहाँ है, इन द पॉकेट। तो गति और स्थिति इसके हिसाब से प्रपोजिशन बदलते हैं। वैसा ही ये ऑन टू या अपॉन लगभग एक ही शब्द है, और ऑन अगर कोई चीज ऊपर रख रहे हैं गति में है तो ऑन टू या अपॉन, आई एम गोइंग टू पुट दिस मार्कर ऑन टू द टेबल, जब गति में है, जब रख दिया है तो ऑन द टेबल। तो मित्रों गति और स्थिति उसके हिसाब से हम प्रपोजिशन को चेंज करते हैं। मैंने नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या आना चाहिए, आई एम गोइंग टू स्कूल या एट स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल या एट स्कूल, क्या आना चाहिए। अगर ये गति में है ना तो आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पे क्या होना चाहिए, गोइंग टू स्कूल। क्यों है टू स्कूल, क्योंकि गति में है, जब भी गति मूवमेंट होगा आप देखिएगा मूवमेंट के लिए टू लगाते हैं। आई एम टू स्कूल या एट स्कूल, ये स्थिति दर्शा रहा है, स्थिति दर्शा रहा है तो जब गति में था तो टू, स्थिति दर्शा रहा है तो एट। ही जम्प्ड इन या इनटू द वेल, मित्रों जंप एक ऐसी क्रिया है जो गति दिखाती है, जंप करना अपने आप में गति में होना होता है, तो उसके साथ कभी इन तो आ ही नहीं सकता, गतिशीलता दर्शाता है, तो क्या होगा, इन टू द वेल। ही इज रिवर, अगर वो नदी में है तो इसमें कोई गतिशीलता नहीं है, तो उसकी स्थिति है तो क्या होगा, ही इज इन द रिवर। द कैट जम्प्ड, फिर से देखिए जंप है तो गति दर्शाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द रूफ ऑफ द कार, क्योंकि वो गति में है, जंप कर रही है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये स्थिति दर्शा रहा है। तो स्थिति और गति के हिसाब से मित्रों हम प्रपोजिशंस को चेंज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक कोई कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है, उसे पढ़ने का तरीका है जो उसे आसान या डिफिकल्ट बनाता है। अगर हम एक ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे कि हमें बहुत डिफिकल्ट तरीके से डिक्शनरी के हिसाब से पढ़ना है, मैं आपको आज वही चीजें पढ़ाऊंगा जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी में दी हुई हैं, पर तरीका अलग होगा। आप मिला लीजिएगा सेवंथ एडिशन के जो ऑक्सफोर्ड में जो यूसेज हैं, वही मैं आज कराऊंगा प्रपोजिशन में, लेकिन तरीका अलग होगा, डिक्शनरी का अलग होता है। तो कोई भी टॉपिक डिफिकल्टियां आसान नहीं होता, उसे समझने का तरीका जो होता है वो उसे डिफिकल्टियां आसान बनाता है। अगली स्लाइड में हम देखिए अब मैं जो पहला आज प्रपोजिशन शुरू कर रहा हूं, पहला वाला तो इंट्रोडक्शन मात्र था, अब जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, दो शब्द हैं जो हमेशा हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि अक्रॉस आएगा कि अलोंग आएगा। देखिए अक्रॉस का अर्थ क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक या फिर उस पार। अलोंग का अर्थ क्या होता है, किनारे किनारे या पंक्ति पंक्ति चलते हैं, वो है अलोंग। तो एक छोर से दूसरे छोर और किनारे किनारे या पंक्ति पंक्ति, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, अभी तो ये नदी है, इसको स्विमिंग पूल बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा है पर स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। अब जो स्विमिंग करेंगे वो लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे एंड तक जाके आएंगे या यहां से वापस आ जाएंगे, वो कहां जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे। तो ये जो यहां से वहां तक गए वो अक्रॉस गए या अलोंग गए, देखिए एक छोर से दूसरे छोर गए तो वो कहां गए, वो अक्रॉस गए। जब यहां पे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं तो यहां पे एक आदमी ध्यान रखने के लिए घूमता टहलता रहता है कि वो जाके आया कि नहीं वहां तक, इसके लिए यहां पे एक आदमी घूमता रहता है। अब यहां पे जो आदमी घूम रहा है ये कहां घूम रहा है, ये घूम रहा है अलोंग। देखिए बीच में कुछ भी हो रहा है तो वो अक्रॉस है, ये किनारे किनारे हो रहा है तो वो क्या है, अलोंग है। नदी पे यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं छोटे छोटे, अभी जो पेड़ उग रहे हैं वो अलोंग द रिवर उग रहे हैं या अक्रॉस द रिवर, अगर किनारे किनारे हैं तो वो अलोंग द रिवर है। आप ये सोचिए ब्रिज बनाना है, ब्रिज कैसे बनेगा, यहां तक ब्रिज बाकी तैर के जाओ या फिर यहां तक बनेगा, ब्रिज बनेगा वो एक छोर से दूसरे छोर तक बनेगा। तो जो ब्रिज बनेगा वो अलोंग द रिवर या अक्रॉस, ब्रिज हमेशा अक्रॉस द रिवर बनेगा, ओवर भी होता है अक्रॉस भी होता है ब्रिज के लिए। अलोंग बनाने का तो तरीका होगा कि आप साइड से बना दो, उसका कोई फायदा नहीं है। मित्रों कई बार हम क्या करते हैं, कॉपी में एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, ये लाइन खींच दी, अब ये जो लाइन हमने खींची वो अलोंग द पेज खींची है अक्रॉस द पेज, अगर आप पेज के अंदर लाइन खींच रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगी, वो अक्रॉस द पेज होगी। हम कई बार क्रिकेट भी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं तो हम कहते हैं कि नो बॉल हो गया, फ्री हिट मिलेगी, नो बॉल होता है तब उसका पैर जो होता है वो अलोंग द लाइन होता है, अक्रॉस वो कहाँ होता है, वो अक्रॉस द लाइन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक छोर से दूसरे छोर कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो अक्रॉस है, इस किनारे किनारे कुछ हो रहा है तो वो क्या है, वो अलोंग है। ऐसे आप देखिएगा एक होता है जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग,
ये क्या होती है आप में से कोई बता सकता है? जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग। गुड मॉर्निंग काव्या चौधरी जी, जीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है आप में से कोई रिप्लाई करके बता सकता है? अच्छा मित्रों, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं बताई देता हूँ जीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। हम जब रास्ते पे चलते हैं तो कुछ काली काली सफेद सफेद सी पट्टियां बनी होती हैं, जेल एंड मार्क अगर आप देखेंगे जयपुर में तो बहुत हैं। ये काली सफेद पट्टियां जो होती हैं किस चीज का इंडिकेशन होती है? ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे पहला हक पैदल चलने वाले का है। जीब्रा क्रॉसिंग का अर्थ होता है कि पहला अधिकार किसका है? जो पैदल चल रहा है। गाड़ी वाला गाड़ी रोकेगा, पहले आप जाएंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कितने लोग रोज शहीद भी होते हैं। अगर एक आदमी जीब्रा क्रॉसिंग से रस्ते के उस पार गया, रस्ते के उस पार गया, तो वो अक्रॉस द रोड जाएगा या अलोंग द रोड? देखिए, अगर जीब्रा क्रॉसिंग से जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो अक्रॉस द रोड ही जा सकता है, अलोंग द रोड नहीं। खैर मित्रों, अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइजेस करना चाहेंगे। आपको अक्रॉस और अलोंग में से चुनना है। अब आप अपने मैसेज के थ्रू बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाला सही है। वी वर वॉकिंग अक्रॉस या अलोंग द रिवर, क्या होना चाहिए? अक्रॉस या अलोंग? अगर कोई नदी किनारे चल रहा है, अगर कोई नदी किनारे चल रहा है तो वो अक्रॉस होना चाहिए या अलोंग होना चाहिए? देखिए, अगर नदी किनारे चल रहा है तो वो अक्रॉस तो चल नहीं सकता। वो तो हनुमान जी गए थे लंका में, वो पुल बना के गए थे। बाकी कोई चलेगा तो किनारे किनारे चलेगा ना, तो ये क्या होगा? अलोंग द। अगर आप पुल बना के या पुल के थ्रू चलते हैं तो अक्रॉस जा सकते हैं, बोट से जाते हैं तो अक्रॉस जा सकते हैं, बाकी अलोंग ही होगा। ब्यूटीफुल ट्रीज वर ग्रोइंग अक्रॉस या अलोंग द रोड, हालांकि इसमें दोनों संभावना है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है? ट्रीज जो होंगे वो अक्रॉस होंगे या अलोंग? देखिए, जो ट्रीज होंगे, सही जवाब दिया काव्या जी ने, ट्रीज होंगे वो क्या होंगे? वो अलोंग ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्रॉस होंगे तो हो सकता है गाड़ियां ऊपर से, किनारे किनारे रस्ते के ट्रीज होते हैं, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है अलोंग। अच्छा, वी वेंट अक्रॉस या अलोंग द रिवर, इसको काट दीजिए, यूजिंग हर बोट। वी वेंट अक्रॉस या अलोंग द रिवर यूजिंग हर बोट। कोई रिवर के अक्रॉस जाएगा या अलोंग? बोट से जाएगा। तो अगर बोट से जाएगा तो कहां से जाएगा? बीच में से जाएगा ना। बीच में से जो भी होगा वो क्या होगा? वो अक्रॉस। किनारे किनारे होगा तो अलोंग, बीच में से गया तो वो अक्रॉस। ए ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस या अलोंग द रिवर, क्या होगा? ब्रिज अक्रॉस होगा या अलोंग होगा? देखिए, ब्रिज अलोंग बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ब्रिज होगा वो क्या होगा? अक्रॉस होगा। देखिए, काफी सारे समय, नरेश सोनवाल गुड मॉर्निंग, कमलेश कुमार यादव जी प्रणाम, नरेश सोनवाल हाँ पढ़ाते हैं, नहीं वो मैं वहां मैं नहीं पढ़ाता, वो मेरे खुद के बैच चलते हैं। मंजू मीणा, अक्रॉस आएगा, सही कहा आपने, अक्रॉस होगा। ही ड्रू अ लाइन अक्रॉस या अलोंग द पेज, लाइन जो होगी वो क्या होगी? अक्रॉस या अलोंग? लाइन भी होगी वो अक्रॉस होगी। इट वॉज अ नो बॉल एज हिज फुट वॉज, नो बॉल तभी होगी जब फुट होगा वो अक्रॉस होगा। द मैन वेंट अक्रॉस या अलोंग द रोड यूजिंग द जीब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे भी मैंने आपको पहले बता दिया क्या होगा? अक्रॉस होगा। अच्छा मित्रों, अक्रॉस का एक और मीनिंग होता है, अक्रॉस का एक मीनिंग होता है, वो होता है ऑल ओवर। ऑल ओवर यानी सभी हिस्सों में। जैसे मैं कहता हूँ क्रिकेट इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, क्रिकेट इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि क्रिकेट दुनिया के हर हिस्से में फेमस है। तो ये मित्रों अक्रॉस और अलोंग की हमने बात की। अब इसी में देखिए, मैं अभी ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट अक्रॉस अलोंग के टॉपिक, मैं अभी केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके बता रहा हूँ क्या होता है। मित्रों, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सेकंड ग्रेड कोर्स के लिए रिकॉर्डिंग की है, तो उस रिकॉर्डिंग में मैंने क्या क्या चीजें की, किस तरह से की, वो बताना मेरा उद्देश्य है। मैं यहाँ कोलैबोरेशन किया ऑनलाइन के लिए, तो मैंने उसमें इस तरह से ही चीजें प्रपोजिशन की है। ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि ट्रेलर लॉन्च होता है जैसे, वैसे ट्रेलर लॉन्च की तरह कुछ पार्ट्स में करा रहा हूँ। देखिए, ओवर है और ऑन है। मैं ऑन को तो अभी टच भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ा प्रपोजिशन है, एक अकेले ऑन में 1.5 घंटा लग जाता है पढ़ाने में, तो अक्रॉस ओवर कर रहे हैं हम अभी, लेकिन तुलना करनी पड़ेगी। देखिए, ओवर का अर्थ होता है, अगर हिंदी में कहें तो ओवर का अर्थ होता है ऊपर, और ऑन का अर्थ होता है पर। पर और ऊपर में एक अंतर होता है, ऊपर जो होता है टच करते हुए नहीं होता, जैसे पंखा है तो वो ऊपर है पर नहीं है ना, तो सतह को टच करते हुए नहीं है तो ओवर है, सतह को टच कर रहा है तो वो ऑन है या पर है। दूसरा है कि ओवर को आप कर सकते हैं सरफेस को टच करने पर भी कर सकते हैं, लेकिन सरफेस को टच करने के बाद वो पूरा कवर कर रहा है या स्प्रेड किया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है या पूरा स्प्रेड किया हुआ है, तो भी ओवर होता है। अब मैं इसमें आपको कुछ देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा।
अब आप मुझे बताइएगा कि ऑन आ चाहिए कि ओवर, मैं कुछ सेंटेंस बोल के बता रहा हूँ, लिखेंगे या पढ़ेंगे इसको बाद में। अगर कोई व्यक्ति हाथ में छाता लेके जा रहा है, कोई गर्ल छाता लेके जा रही है, तो शी हैड एन अम्ब्रेला, ओवर हर या ऑन हर? छाता जो होगा वो ऑन होगा या ओवर होगा? आप में से कोई बताएगा छाता जो होगा वो ऑन होगा या ओवर होगा? काव्या चौधरी ने बताया ऊपर ओवर होगा, क्योंकि छाता ओवर क्यों होगा, क्योंकि छाता जो है वो सर पे रख के कोई नहीं जाएगा, एक तो वो पूरा कवर करेगा, दूसरा सतह को टच नहीं करेगा, तो शी हैड एन अम्ब्रेला ओवर हर। बच्चा सोया हुआ है, माताजी आई, ब्लैंकेट उठा के बच्चे के ऊपर डाल दी। अब ये जो ब्लैंकेट डाली वो ऑन द स्लीपिंग चाइल्ड डाली या ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड? देखिए ब्लैंकेट जब डाली जाएगी तो ब्लैंकेट पूरा कवर करेगी, और पूरा कवर करेगी तो वो क्या होगी, वो होगी ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। बच्चा अगर उसको समेट के अपने ऊपर ऐसे रख ले तो वो ऑन होगा, लेकिन अगर वो कवर्ड है तो वो क्या होगा, ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। वैसे आप देखिएगा आजकल अतिक्रमण का जमाना है, लोग बालकनी घर के बाहर निकाल के रखते हैं, बालकनी निकाल के रखते हैं, तो बालकनी जो होगी वो ओवर द रोड होगी या ऑन द रोड होगी? देखिए बालकनी निकली हुई है, वो रोड को टच तो कर नहीं रही, बाहर निकली हुई ना, तो बालकनी ओवर द रोड, नगर निगम कार्रवाई करेगा तो वो ऑन द रोड आ सकती है, बाकी वैसे वो क्या है, ओवर द रोड है। अच्छा मित्रों, मैंने अपने मुंह पे हाथ लगा दिया तो हैंड ऑन माई माउथ या ओवर माई माउथ? हैंड ऑन या ओवर? अगर पूरा कवर कर सकता है तो ओवर, अगर पूरा कवर नहीं करता तो ऑन। जब आप अपने मुंह पे हाथ लगाएंगे तो हैंड ओवर माउथ होगा, शी पुट हर हैंड ओवर हर माउथ। क्यों? क्योंकि हैंड से पूरा माउथ कवर हो सकता है, लेकिन उसी की जगह अगर फिंगर होती तो क्या कहते आप, शी पुट हर फिंगर ऑन हर लिप्स या ओवर हर लिप्स? देखिए जब फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर से पूरे लिप्स कवर नहीं होंगे, जब कवर नहीं होंगे तब तो ऑन, और अगर पूरा कवर हो रहा है तो ओवर। तो हैंड ओवर माउथ, फिंगर ऑन द लिप्स। आई पुट माई हैंड्स ऑन हर आईज या ओवर हर आईज? जब आप किसी की आंखों पे हाथ लगाते हैं, आंखें ढकते हैं, तो वो ओवर होती हैं ऑन होती हैं? आंखें ढकेंगे तो, देखिए जब आप किसी की आंखें ढकेंगे हाथ से तो वो ओवर होगा, क्योंकि पूरी आंखें ढक जाती हैं, पूरा कवर करेगा तो मैंने कहा क्या होगा, ओवर ही होगा। अच्छा किसी ने शर्ट के ऊपर जैकेट पहना है, वार्म जैकेट पहना है, तो वार्म जैकेट ऑन द शर्ट या ओवर द शर्ट? देखिए वार्म जैकेट जो होगा वो ऑन द शर्ट नहीं हो सकता, वो ओवर होगा, क्योंकि शर्ट पूरी कवर हो जाएगी, कवर होगी तो वो क्या होगा, शोल्डर रखें तो शॉल ओवर द शोल्डर। तो ध्यान रखिएगा अगर पूरा कवर कर रहा है, पूरा स्प्रेड है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो ओवर ही होगा। जैसे आप देखिएगा कुछ सेंटेंस में आपको दिखाता हूं, अब आपको इनमें डिसाइड करना है कि क्या आएगा। पहले वाले सेंटेंस में शी हैड एन अम्ब्रेला ऑन या ओवर हर, आप रिप्लाई कीजिएगा। काव्या चौधरी का रिप्लाई आया शी हैड एन अम्ब्रेला ओवर हर, बिल्कुल सही रिप्लाई है। अच्छा ओवर क्यों आया आपको पता चला? क्योंकि छाता कभी सतह को छूते हुए नहीं होगा, वो हाथ में होगा, पूरा कवर करेगा और सतह को छूते हुए नहीं होगा, तो ओवर होगा। शी पुट अ ब्लैंकेट ऑन या ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, मीरा प्रियंका ने जवाब दिया है ओवर। अच्छा सही जवाब दिया है, ओवर ही होगा, क्योंकि ब्लैंकेट क्या करेगी, ब्लैंकेट बच्चे को पूरी तरह से कवर करेगी, ब्लैंकेट क्या करेगी, बच्चे को पूरी तरह से कवर करेगी। ऑन करेंगे तो इसका अर्थ है कि आप उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक के चले गए उसके सीने के ऊपर, ऑन तो हो नहीं सकता, खोल के बिछाइए तो ओवर। शी पुट हर हैंड ऑन या ओवर हर माउथ, अगर उसने अपना हाथ मुंह पे रखा है तो वो ऑन हर माउथ। अच्छा मैंने फेस नहीं बोला, माउथ और फेस का अंतर आप जानते हैं ना, फेस तो पूरा चेहरा हो गया, माउथ का अर्थ हुआ मुंह। अब हाथ से पूरे मुंह को ढक सकते हैं तो ओवर होगा, पूरा मुंह नहीं ढकेगा तो फिर वो ऑन होगा। तो शी पुट हर हैंड ओवर हर माउथ या ऑन, विनोद मैक्स ने जवाब दिया है ओवर, बिल्कुल सही दिया है। ओवर का वजह क्या है, क्योंकि ओवर से पूरा का पूरा माउथ कवर हो जाएगा। शी पुट हर हैंड ओवर हर माउथ, क्योंकि माउथ जो है वो हैंड से क्या होगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आई पुट माई हैंड्स ऑन या ओवर हर आईज, आई पुट माई हैंड्स ऑन या ओवर हर आईज, अगर मैंने किसी की आंखों पे हाथ रख लिए तो वो आंखें उसकी पूरी ढक जाएंगी तो ओवर होगा, अगर पूरी नहीं ढकेंगी तो ऑन होगा। तो क्या होना चाहिए, कुमार निर्मल कह रहे हैं आई पुट माई हैंड्स ओवर हर आईज, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हाथों से आप पूरी तरह से आंखों को कवर कर सकते हैं, आप कहते हैं ना आंखों पे हाथ लगा दिया तो दिखाई नहीं देगा। दे हैड अ बालकनी
ऑन या ओवर द रोड, बालकनी जो होगी वो ऑन द रोड होगी या ओवर द रोड होगी। हम इसके बारे में पहले बात भी कर चुके हैं, मैंने पहले बात की है फिर सेंटेंस लिखे हैं, और यही मेरा तरीका भी है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ जब भी ग्रामर चलती है तो पहले मैं बातचीत में बातें करता हूँ उसके बाद हम सेंटेंस करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रेंज मटेरियल आ जाता है, बच्चे को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। दे हैड अ बालकनी ऑन द रोड या ओवर द रोड, बालकनी कहाँ होगी हमेशा? काव्या चौधरी, मीरा, प्रियंका, कुमार, निर्मल, सबके जवाब आ रहे हैं ओवर। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है कि जो बालकनी होगी वो कहाँ हो सकती है? वो ओवर द रोड। ऑन द रोड कौन बालकनी बनाएगा, वो तो नीचे गिरेगी तो होगी, है ना। शी पुट हर फिंगर ऑन या ओवर हर लिप्स, अगर उसने फिंगर अपने लिप्स पे लगाई है, अब वो ऑन होगी या ओवर? देखिए, मैंने कहा था ओवर तब करते हैं जब पूरा कवर हो जाए, स्प्रेड हो जाए, कवर हो जाए, ऑन जब पूरा कवर नहीं हो। अब जो फिंगर है उससे लिप्स पूरे कवर होंगे या नहीं होंगे? तो शी पुट हर फिंगर ऑन हर लिप्स या ओवर हर लिप्स। देखिए, फिंगर आप देखिए, रख के देखिएगा, फिंगर से पूरे होंठ कवर नहीं होंगे, हैंड से तो पूरा माउथ कवर हो जाएगा लेकिन फिंगर से नहीं होगा, तो क्या होगा? कुमार निर्मल ने सही जवाब दिया, शी पुट हर फिंगर ऑन हर लिप्स, क्योंकि लिप्स पे फिंगर रखोगे तो उससे पूरा लिप्स कवर नहीं होंगे। द थीफ जम्प्ड ऑन या ओवर द फेंस, ये बड़ा कहते हैं बहुत रेगुलरली पूछा जाने वाला, पहले थर्ड ग्रेड के एग्जाम जब होते थे, जब से मैं पढ़ा रहा हूं 2004-5 में, इस तरह के सवाल ज्यादा आते थे। द थीफ जम्प्ड ऑन या ओवर द फेंस, होता है पार्टीशन, दीवार की तरह मान लीजिए पार्टीशन, तो कोई फेंस पे जंप करेगा तो ओवर करेगा या ऑन करेगा? अभी जो कोई आंसर आया नहीं अभी तक इसका, जम्प्ड ऑन या ओवर क्या होना चाहिए? देखिए, सपोज कीजिए ये फेंस है, ये दीवार है, अब चोर जंप करेगा तो क्या करेगा? देखिए, जंप करेगा तो क्या करेगा, इस पार ही जाएगा ना। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका तो अर्थ हुआ ओवर, और वो यहीं कहीं अपना सर देके मार दे तब होगा ऑन, तो वो क्या करेगा, अपना सर देके मारेगा या ऊपर से जाएगा? हाँ, वो कूद के अक्रॉस द वॉल भी जा सकता है, लेकिन ऑन और ओवर में से बात करें तो जंप हमेशा आप क्या करेंगे, ओवर द फेंस करेंगे, है ना। ऑन द फेंस का तो अर्थ होगा कि आप इसमें ही कहीं जंप कर दें, ऊपर खड़े हो जाएं, दीवार फांद के चला गया वो। देयर इज अ फैन ऑन या ओवर यू, अगर पंखा है तो वो कहां होगा, फैन ऑन या ओवर होगा, कैसे होगा? फैन होगा, सपोज कीजिए आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, अब पंखा ऊपर लगा हुआ है, वो फैन ऑन है या ओवर है? बिल्कुल, मोहित चौधरी ने, काव्या चौधरी ने, कुमार निर्मल ने बताया ओवर है। ओवर क्यों है? क्योंकि फैन सतह को टच करते हुए नहीं है। अच्छा, उसके पेच वेच ढीले हो जाए तब वो कहां होगा फैन, अगर पेच वेच ढीले हो जाए फैन के तो? हाँ, तो ऑन टू और उसके बाद ऑन और फिर हम इन। खैर, तो पंखा होगा वो हमेशा कहाँ होगा, ओवर हो सकता है। खैर मित्रों, काफी आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं आपके, अच्छी बात है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सही, अभी तक कोई जवाब ऐसा गलत आया नहीं। कुछ क्वेश्चन आए, बैच कब शुरू होंगे, वो होंगे दिवाली बाद ही होंगे। अभी आप ऑनलाइन का अगर देखें तो अभिज्ञान के साथ मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, अभिज्ञान से पूरा सिलेबस मैंने रिकॉर्ड किया, मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, ग्रामर है, लिटरेचर है, सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैंने जो रिकॉर्डिंग की है ना वो वैसी नहीं जैसे वीडियो होते हैं, कि आपको मेन बात बताने से पहले मैं कहूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये कीजिए, इधर उधर की रामगाथा कहीं भी नहीं है। मुझे पता है अगर बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है या ऑनलाइन देख रहा है, उसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, एक गति के साथ यानी प्रिसाइसली चीजें की गई हैं। उसमें मैंने कोई अनावश्यक बात नहीं की, सीधा हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े वीडियोस मैंने नहीं बनाए, मुद्दे की बात के अलावा कहीं भी कोई बात नहीं है। और मेरी रिकॉर्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है, आज मेरी ये लास्ट जो है वो क्लास है वो इसकी है, यूट्यूब पे जो है लाइव वो इसलिए है कि मैं पूरा कर चुका हूँ सिलेबस, और उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहीं भी इधर उधर की लंबी क्लास नहीं खींची। जैसे होता है ना 2 + 2 = 2 कितने हो गए, ऐसा मैंने नहीं किया, सीधा मुद्दे की बात है। आप अगर 40 मिनट का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको 1 घंटे का मटेरियल मिलेगा। खैर मित्रों, देयर इज अ फैन ऑन और ओवर में से ओवर हो गया, एक कोट ऑन हिज शोल्डर और कोट ओवर हिज शोल्डर, इन दोनों में से दोनों का अर्थ क्या अंतर क्या है? करेक्ट तो दोनों ही है, कोई अंतर देखिएगा, कोट ऑन हिज शोल्डर और कोट ओवर हिज शोल्डर, किस वाले में इसने पहन रखा है, कौन से वाले में कोट पहना हुआ है, कौन से वाले में कोट ऐसे ऊपर रखा हुआ है, आपको देखना है इसमें कौन सा वाला है। अगर आप कहते हैं एक कोट ऑन हिज शोल्डर, इसका अर्थ है कि कोट यहां पे रख रखा है, ऑन का मतलब क्या है, इधर पड़ा है। एक कोट ओवर हिज शोल्डर्स, प्लूरल है शोल्डर्स, यानी दोनों के दोनों शोल्डर्स क्या है, कवर्ड है, और कवर्ड हैं तो हमेशा क्या होगा,
ओवर होगा। देखिए मित्रों, आपने किसी को शॉल पहनाई, राष्ट्रपति अवार्ड देते ना शॉल पहनाते हैं, तो वो शॉल जो पहनाते हैं वो ऑन द शोल्डर होगी या ओवर द शोल्डर? वो पहनाते हैं वो ओवर द शोल्डर है, कोई उठा के ऐसे रख लेना वो ऑन द शोल्डर होता है। कवर के सेंस में हमेशा हम क्या करेंगे, ओवर ही करेंगे। तो कोट ओवर हिज शोल्डर, यहां पे तो क्या कर रखा है, इसने पहन रखा है, और ऑन हिज शोल्डर में उसने क्या कर रखा होगा, ऐसे ऊपर रख रखा है कंधे के ऊपर। तो मित्रों इस तरह से अप्रोच से हमें प्रपोजिशन पढ़ने का। अच्छा, आपको मैंने जो भी सेंटेंस अभी लिखवा है ना, ये सारे सेंटेंस ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के हैं, किसी गाइड के नहीं है, ये एडवांस लर्नर डिक्शनरी में जो सेंटेंस दिए हुए हैं वही हैं, या फिर कैम्ब्रिज की जो इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे है उसमें से दिए हुए हैं। बस अप्रोच अलग है, वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मित्रों कई बार समस्या कहाँ होती है प्रपोजिशन में, आप देखिएगा, प्रपोजिशन में समस्या होती है कि कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे एरर वाला होता है ना, एरर में कई बार नो एरर होती है ना, तो बच्चे को लगता है ये कैसे हो सकता है नो एरर हो, कोई ना कोई तो एरर है, तो वो सही वाले सेंटेंस को भी करेक्ट इनकरेक्ट बता देता है, जहाँ एरर नहीं वहाँ भी एरर। अभी आप देखिएगा पटवारी के एग्जाम में भी आया, कई जगह एरर के क्वेश्चन आते हैं, बच्चा ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसमें नो एरर भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो ये पढ़ा कि एरर कहाँ कहाँ होती है। वैसा ही ये भी होता है कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ प्रपोजिशन आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा प्रपोजिशन में। अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको देखना है कि प्रपोजिशन आएगी कि नहीं आएगी। मैंने पहले भी कहा कई बार ऐसा होता है कि प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती है कुछ शब्दों में। वी विल डिस्कस इट ओवर लंच, अगर आपको इसमें बीच में प्रपोजिशन भरनी है तो डिस्कस ओवर, ऑन या कुछ नहीं, ऑन ओवर या क्रॉस, तीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ऑन ओवर या क्रॉस, क्या ऑप्शन लेना चाहेंगे आप, ऑन ओवर क्रॉस? मित्रों डिस्कस जो वर्ब होता है ना, ये डिस्कस क्या है, वर्ब है, डिस्कस वर्ब के बाद कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, और आप देखिएगा हमारा कॉमनली इंक्लाइनेशन रहता है कि ऑन कर दो ओवर कर दो, ऐसा नहीं है। डिस्कस अगर वर्ब है तो क्रॉस आएगा, डिस्कशन नाउन अगर है तो डिस्कशन के साथ आप ऑन अबाउट कर सकते हैं, डिस्कस जहां भी आए ना वर्ब होगा वो डिस्कस, डिस्कस के बाद कभी कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है, ये याद रखना है आपको। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, ये नाउन है, देखिए डिस्कस तो वर्ब होता है, डिस्कशन होता है नाउन, और नाउन के साथ आप ऑन लगा सकते हैं, अगर ये नाउन है ना तो आप क्या लगाएंगे, ऑन। तो डिस्कस जो कि वर्ब होता है उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती, डिस्कशन के बाद ऑन आता है। अब हमारी गलती क्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्कशन के बाद ऑन आता है, लगभग सब लोग जानते हैं डिस्कशन ऑन होता है, तो हम डिस्कस के बाद भी जनरलाइजेशन करते हैं कि ऑन ही लगाना चाहिए, लेकिन कई बार वर्ब और नाउन का अंतर होता है, वर्ब में तो क्रॉस आता है, नाउन हो तो फिर प्रपोजिशन आती है। जैसे आप देखिएगा ही एंटर्ड द क्लास रूम थ्रू द विंडो, अब एंटर्ड के बाद आपको याद होना चाहिए कि कभी भी एंटर के बाद इंटू इन कुछ नहीं आता, एंटर के शब्द के अंदर ही इंटू लगा हुआ है, तो एंटर्ड क्रॉस, एंटर्ड इंटू नहीं होता कभी, एंटर्ड द रूम एंटर्ड द क्लास रूम ये कॉमन एरर है, एंटर इंटू करना या एंटर इन करना, एंटर्ड के बाद कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आती। ही अटैक्ड टेररिज्म इन हिज स्पीच, अब देखिए अटैक जो है ये वर्ब है, वर्ब है, कैसे पता चला आपको, देखिए वर्ब का पता चलने का आसान तरीका, ये ईडी लग गया, ईएस लग जाता, कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाता, अगर अटैक वर्ब है तो क्रॉस, अटैक अगर नाउन है तो ऑन आएगा। अब यहां पे अटैक वर्ब है हमें पता चल गया क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हुई, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब होता एस ई एस होता तो भी ये वर्ब होता, तो अटैक वर्ब के साथ क्रॉस। और इसी सेंटेंस को देखिएगा, इट वॉज एन अटैक, इट वॉज एन अटैक, ये नाउन है, ये कैसे पता चला नाउन है, देखिए आसान सा तरीका है, अगर ये नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल लगा होगा, वर्ब के आगे कभी आर्टिकल नहीं आता, तो अटैक नाउन है तो ऑन, वर्ब है तो क्रॉस, अटैक ऑन टेररिज्म, तो वर्ब है तो क्रॉस, वर्ब के साथ क्रॉस, नाउन के साथ ऑन, वही स्ट्रेस के साथ है, स्ट्रेस अगर वर्ब है तो क्रॉस, स्ट्रेस अगर नाउन के रूप में यूज होता है तो आप स्ट्रेस के साथ ऑन लगाते हैं। जैसे देखिएगा ही स्ट्रेस्ड, ये वर्ब है, कैसे पता चल गया, ईडी पार्टिसिपल लगा हुआ है, मेन वर्ब भी ये काम कर रहा है, तो ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, पुट द स्ट्रेस, अगर आर्टिकल लग गया है तो आर्टिकल नाउन के आगे ही लगता है, ये नाउन है, यहां पे ऑन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जब प्रपोजिशन या ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रपोजिशन नहीं आए, और सबसे ज्यादा समस्या यही क्वेश्चन करते हैं, कई बार आर्टिकल पढ़ते हैं ना आप देखिएगा, जहां हमें समझ में नहीं आएगा क्या आएगा वहां द लगा दो, अरे द क्यों लगा दो भाई,
ऐसी भी तो हैं वर्ड जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, हम वो ऑप्शन चुनते ही नहीं है। और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं, 15-20% क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन होते हैं जहाँ कुछ नहीं आएगा, जहाँ कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना आपको। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए कि कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस आएगा, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें कोई एरर नहीं हो और आप उसमें एरर ढूंढ दें। तो आपको तैयार रहना है वो हर तरह से, हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए रहना है। खैर मित्रों, ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक कोशिश की आपको बताने की, मेरी अप्रोच क्या रहेगी जो मैंने ऐप रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे वो पढ़ाने की। इसमें सारे जो हैं टॉपिक्स इसी तरह से किए हुए हैं और सेक्शन मैंने आपको बताया अलग अलग है, ग्रामर का अलग है, लिटरेचर का अलग है और मेथड्स का अलग है। कल भी शायद मैं एक क्लास लूंगा जो लिटरेचर और मेथड्स के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उसमें मैंने क्या किया है। पर मित्रों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मेरे लिए विकल्प नहीं था। देखिए, 2 साल कोविड की वजह से हम बिल्कुल टीचिंग से जुड़े नहीं रहे। अब मुझे ऑनलाइन आना था और ऑनलाइन आने के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म था वो अभिज्ञान का ही था, तो मैं इसलिए अभिज्ञान से ऑनलाइन में जुड़ा। और बहुत अच्छा यहाँ का स्टाफ है, आपकी हर तरह से टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी ये सॉल्व तुरंत करते हैं कॉल पे। तो मेरा काम रिकॉर्डिंग था वो मैंने कर दिया और यहाँ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा आप अगर इस ऐप से पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे पता है काफ़ी विद्यार्थी हैं जो नौकरी करते हैं, दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, उनको ऑनलाइन पढ़ना ही था। और मैं भी चाहता था कि मैं अपनी ऑनलाइन उपस्थिति विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ऑनलाइन जुड़ूँ। तो आप कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने जो काम किया है वो यही किया है, कोई भी अनावश्यक बात नहीं है। आप अगर वीडियो खोलते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। और आप सब जानते हैं कि मैं जो भी क्लास में करा रहा हूँ उसमें से आपको 90-95% एग्जाम में मिलता भी है, तो वो ऑनलाइन में मिलेगा। जब ऑफलाइन में मिलता है तो ऑनलाइन में भी आपको मिलेगा। खैर, आज आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।